हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू पहले पहले कॉमिक चैनल। आप सबको पेश कर रहे हैं नागराज की शानदार कॉमिक कैंचुली। चैनल पर फर्स्ट टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये देख सकते हैं कवर पर कैंचुली नागराज। नागराज ध्रुव डबल एक्शन ईयर 1997। नागराज ध्रुव जैसे मानवता के रक्षक, मिसकिला जादूगर शाकुरा, नागपाशा, नागदंत, नागमणि, ग्रैंडमास्टर रोबोट, ध्वनिराज, चंबा, बोना बावन जैसे सुपर खलनायकों को एक बार नहीं कई बार मात दे चुके हैं। लेकिन ये हीरो दूसरों को तो हरा सकते हैं, पर ये कुछ भी नहीं कर सकते जब खुद उनका व्यक्तित्व उनका दुश्मन बन जाए। भला अपने आप को कौन हरा पाया है? तू अपनी कैचली को मारने की बजाय उनकी रक्षा करने बजाय इसकी रक्षा कैच नहीं हुआ इसकी रक्षा करने की सोच नागराज, क्योंकि इसमें पड़ने वाली हर चोट कुत्ते से भी पड़ेगी और ख़त्म हो जाएगा तू अगर ख़त्म हो गई है। आहा कैंचुली, महानगर में आने से पहले और बाद में नागराज की जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आए। नागपाशा के जरिए उसे अपने वंश का पता लगा। भारतीय वैदाचार्य जैसे पुराने वफादारों का साथ मिला। वैदाचार ने ही नागराज के कुल का खजाना सुरक्षित करके ये त्रिश समझ जाता। इसके अंत में बैठकर कुल देवता कालजयी इस खजाने की रक्षा करते थे। वैदाचार्य ने नागराज की सही पहचान करने के बाद खजाना सौंप दिया। लेकिन मान जोशी वैदाचार्य सवाल रह रहा सता रहा था कि नागराज के जीवन की शुरुआत के 40 या 50 वर्षों तक नागराज कहाँ रहा। ये सब घटना हो चुकी है, खजाना सीरीज में नहीं पढ़ी तो वहाँ जाके पढ़िए। और विश्वकन्या सीरीज में कॉमिक्स में पहले ही पता लग चुका था कि नागराज 40-50 वर्ष कहाँ रहा था। नहीं पढ़िए तो विश्वकन्या कॉमिक्स पढ़िए, हमारे चैनल में नागराज कॉमिक्स की प्लेलिस्ट में जाके आज ही। नागराज उनकी गणना के अनुसार आखिरकार उनको एक गुप्त समुद्र में यात्रा पर नागद्वीप के पास ले आई, जहाँ पर तांत्रिक विषधर के वार से बेहोश होकर लहरों तक बढ़ते हुए वे नागद्वीप में महात्मा कालदू तक जहाँ पहुँचे। इधर वे नागराज का नाम और महानगर में उसका पता कर गहरी बेहोशी में चले गए। यह सब जाने के लिए पूर्व प्रशासक कमिश्नर जहर खजाना और क्राइम किंग और महानगर में इसका पता जानने के लिए भारतीय और नागराज बेचारों को इधर भटकते। हम लोग आखिर कहाँ जा रहे हैं राज? मैं तुमको बताया ना, भारतीय राजनगर बंदागार पे के चक्कर में मुझे बताया था कि उसके वैदाचार्य के हुलिये वाला एक आदमी ईरान जाने वाले जहाज में चढ़ देखा था। हाँ, मुझे भी ये वह याद आया। जहाज में रेडियो संपर्क करने पता चला था कि दादाजी बीच में ही एक नौका से लेकर चुपचाप जहाज से उतर गए थे। लेकिन अब वहाँ यहाँ मेरा क्या काम है? यह जहाज अपनी यात्रा पूरी करके वापस आया, उसे कैप्टन से मिलकर हमें शायद पता लगे कि हमको वैदाचार्य तक पहुँचा जा सके। चलो आओ, मैंने कैप्टन से अपॉइंटमेंट ले रखा है। लेकिन कैप्टन शर्मा ने भारती की उम्मीद बांधने की वजह उस पर गाज गिरा दी। वे आपके दादा थे, कमाल है, इतने वृद्ध इंसान से मैंने ऐसी हरकत की उम्मीद नहीं की थी। वे बिना इजाजत के एक नौका लेकर बीच समुद्र में उतर जाएंगे, गाज बिजली। और वह तो हमको अगले दिन सुबह उस सयाती से पता चला कि वह रास्ते गायब हैं। जाँच करने पर नौका गायब हो गई। वे कहाँ पर उतरे उसके आसपास तो क्या दूर तक ज्ञात द्वीप नहीं है। वह इलाका शार्कों पथरी चट्टानों से भरा हुआ है। आपके दादा का तो पचपाना मुश्किल है। अब अगर उनकी खबर नहीं मिली तो आपको उनको जिंदा देखने की उम्मीद छोड़ दें। भारतीय शब्द का पांडू ने ऐसे क्यों किया? दादाजी भारतीय रुको सुनो तो, भारतीय होते भाजी कैप्टन, आप मुझे उस जहाज की स्थिति बता सकते जहाँ पर वैदाचार्य मौका लेके उतरे थे? क्यों नहीं, यह तो जगह मुझे जवानी याद है। अभी नक्शे पर निशान लगाकर बता देता हूँ। कैप्टन द्वारा नक्शे में निशान लगाती नागराज की चश्मे की पीछे छुपी आंखें चमक उठी। अरे वैदाचार्य तो नागद्वीप से कुछ ही मील दूरी पर हैं, अब उनका पता लगाना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। धन्यवाद कैप्टन, आपने हमारी बहुत मदद की है। धन्यवाद किस लिए? मैंने आपको कोई खुशखबरी तो दी नहीं है? भारती को उदासी ने घेर रखा था। हम दादाजी को कभी नहीं देख पाएंगे राज, कभी नहीं। सबक दादाजी को हम जरूर देखेंगे, जल्दी देखेंगे। यह झूठी तसल्ली नहीं बल्कि मेरा वादा है। भारती सच कह रहे हो राज, तुम तो असंभव को संभव बना सकते हो। और अगर तुम कह रहे हो तो भारती की खुशी ज़्यादा देर तक कायम नहीं रहने वाली थी, क्योंकि अगले पल उसे खुशी का स्थान अरे बहने लिया गड़प। भारतीय किसी ने पानी के अंदर खींच लिया है। भारती को बचाने के लिए मुझे पानी में कूदना होगा। राज के कोट पैंट में काम बाधक बन सकते हैं। वैसे तो भारती को बचाने के डरपोक राज नहीं बल्कि नागराज जाएगा। नागराज के रूप में बदलने कुछ पल को वक्त लगा और कुछ ही पलों में भारती को बचाने के लिए पानी के अंदर कूदा नागराज छापा और लहरों के बीच में भारती और उसके हमलावरों की तलाश कर रहा था। लेकिन नागराज को भारती को ढूंढने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा, क्योंकि उसको बचाने के लिए नागराज को जरूर वक्त लगना था, क्योंकि भारती को पानी के अंदर खींच लाने की आकृति भयावहों के साथ साथ भारतीय खून की प्यास लग रही थी। यह क्या चीज़ है? मगरमच्छ और इंसान का मिला जुला रूप, यह आया कहाँ से? और आज तक तो ऐसी कोई भी चीज़ के बारे में मैंने पहले कभी नहीं सुना। खैर अभी आश्चर्य में डूबे रहने का वक्त नहीं है, वरना यह भारती को नोचकर खा जाएगा। मेरी विश्वंकार पानी के अंदर खतरनाक साबित नहीं होगी, क्योंकि पानी में खुलकर लगभग निष्क्रिय हो जाती है। वैसे भी इसको बेहोश करके सारे काम तो शारीरिक शक्ति कर देगी। अपने
सही मन के सांपों की लगती रहे। उस प्राणी की तरफ का अगली पल उसका शरीर पानी में उछलकर उल्टी से तरह तैन लगा। वो इसके शरीर में तो मानवीय ताकत है, इससे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि यह मगरमच्छ मानव का संयुक्त रूप है। पानी के अंदर से ताकत क्योंकि मुझे से लड़ना नहीं है, पहला काम है भारतीय उतरने से छोड़ना। यह काम मैं वाष्प करने वाले चल सर्प आसानी से कर देंगे। हालांकि यह सर्प मेरे शरीर में ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी इतने जरूर हैं कि मेरा काम कर दें। उस प्राणी सर्पों द्वारा हमले से उम्मीद नहीं थी और एकाएक उस हमले से हड़बड़ा उठा और भारती का शरीर उसके हाथों से छूट गया। और नागराज ने उस समय अपने एक पल नहीं खोया है। मेरे फेफड़ों में ऑक्सीजन खत्म हो रही है, भारती का ये हाल होगा, मुझे सतह पर लेकर पहुँचना चाहिए। नागराज सतह तक पहुँचा, भारती का हाल ठीक नहीं है, मुझे तुरंत अस्पताल जाना होगा। अब यह प्राणी बच निकलेगा और मैं इसके पीछे नहीं जा पाऊँगा। नागराज यही जानता था कि उस प्राणी के पीछे जाने नहीं करने उसके हाथ में नहीं था, क्योंकि अगले ही पल उसे पानी में खींच लिया था। आ इसने तो मैं सांपों को खा लिया और मुझे पहले समझ आता है सांप भी मगरमच्छ का भोजन होते हैं। मैं इसको मानना नहीं चाहता था क्योंकि यह शायद अपने तय का अकेला प्राणी है, वैसे भी इसकी दांत की मोटी दांत शायद दस ना पाए, लेकिन अगर इसने खाने की कोशिश मुझे की तो भी यह मर जाएगा। मुझे इसे ऐसा करने से रोकना होगा और मैं इसको ऐसा करने से रोक नहीं सकता, क्योंकि जल्दी कोई ज़ोरदार वार में सिर घुमा देगा कर रख देगा और कोई ना कोई रास्ता जल्दी तलाश करना पड़ेगा। वाह यह रास्ता छोटे जहाज के लंगर की चैन, और यह प्राणी जितना भी शक्तिशाली हो, खैर फिर भी एक बात का भरोसा है कि लंगर जैसे चैन को तोड़ नहीं सकता, क्योंकि अभी मुझे चैन फंसा कर आराम से भेज सकता हूँ ताकि भारती को अस्पताल छोड़कर फिर से वापस लेने आ सकूँ। नागराज ने राज के रूप में भारती को अस्पताल पहुँचने में ज़्यादा वक्त नहीं लगाया। मिस भारती की कुछ खराशों के अलावा कुछ खास चोटें नहीं आई हैं मिस्टर राज, लेकिन समुद्र का काफ़ी सारा पानी पीने के कारण की खराशों में इन्फेक्शन होने के कारण ये बेहोश हो गई है। शायद इनको हल्का शौक भी लगा है, खतरे की कोई बात नहीं है, लेकिन इनको पूरी तरह ठीक होने में 2-3 दिनों का वक्त तो लग ही जाएगा। क्या और तुम तो भारती जी कई सारे दूसरे कामों को तो मुझे ही संभालना होगा डॉक्टर, और इसका मतलब यह भी हुआ कि मैं इस प्राणी को पकड़ने तुरंत वापस नहीं जा पाऊँगा। नागराज अगर वापस जा पाता अभी तो खाली हाथ ही वापस आता, क्योंकि वह अनजाने में ही बड़ी गलती कर गया था। जब उस मगरमान को उस शिप के लंगर चाहने थे, उस शिप पर उसे जाना था। ओहो तू बना था लंगर में, मगर मैं सोच रहा था कि लंगर में क्या फंस गया, पर तू यहाँ पर पहुँचा कैसे? मगरा की कहानी सुनते ही उस शिप में एक तूफान आ गया। क्या तू उस किनारे पर पहुँच गया? इंसान की मांस खाने की हवस दवाई नहीं गई तुझसे? मैंने तुझे कहा था ना बगैर मेरे हुक्म के किनारे नहीं जाएगा, तेरे जुलो के हुक्म की हुक्म दुल्ली की है। तू अच्छी तरह जानता है कि मेरा हुक्म न मानने का नतीजा होता है। नहीं नहीं ये मत करो, मुझे आप कर दो, पहले रात सजा झेल ले उसके बाद माफ़ी मांगने की हालत में तो मांग लेना। आहा माफ़ कर दो, वैसे नहीं करूँगा, ठीक है पहली गलती है, माफ़ कर रहा हूँ, कान खोल के सुन ले। तुझको अभी मैं काम में भेजना हूँ, उसमें अगर तू असफल होकर लौटा तो तेरा हाल उससे बुरा कर दूंगा। जुलू के मस्तिष्क में आंधियाँ दौड़ रही थी, इस मूर्ख को किनारे पर जाकर भी नागराज से टकराना था। वैसे ही मुझे पता था कि अगर मुझे महानगर में कोई कारनामा करना है तो नागराज से टकराना ही पड़ेगा, इसलिए मैंने नागराज पर उपलब्ध सारी जानकारी को ध्यान में पढ़कर अपने दिमाग में बिठा लिया था, और उससे मुझे नागराज को अपने काबू में रास्ता मिल गया, जिससे नागराज हमेशा के लिए मेरा गुलाम बन जाएगा। लेकिन ये काम मुझे बहुत जल्दी करना पड़ेगा, वरना वह गुलाम बना पाने से पहले ही नागराज मेरा ही कबाड़ा कर देगा। अब मुझे योजना बहुत सोच समझ कर बनानी पड़ेगी। एक तो मुझे मगराह में नागराज से होने वाली टक्कर में नागराज को मगराह से बचा लेकर निहाना है, दूसरी तरफ नागराज ने मुझे वह चीज़ हासिल करनी है जो नागराज को मेरे हाथों में खेलने पर मजबूर कर देगी। नागराज को खुद मगराह तक पहुँचने की जल्दी थी, लेकिन भारती की तबीयत का अस्पताल में रुका था। डॉक्टर बासु मैं आपको ही ढूंढ रहा था, भारती के खून की जाँच की रिपोर्ट आ गई है, ज़रा बताइए सही क्या है। एक मिनट आज मैं भी काम टा के 5वीं मंजिल पर जा रहा हूँ, लौट कर आऊँगा तो देखूँगा। वैसे तुम मेरे साथ क्यों चलते हैं? हमारे हॉस्पिटल में एक नई चीज़ आई है, शायद एक दिन मुर्दे में भी जान डाल दे। ऐसा चलिए शायद उस चीज़ से हम कोई टीवी प्रोग्राम बना सकें और फिर दूसरी मंजिल पहुँचने में। और आज हम पूरी मंजिल पर, हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, यहाँ पर मुझे हल्की ठंड लग रही है। हाँ दरअसल जीव विज्ञान समेत कोई भी शोध कार्य ठंड में करना सबसे ज़्यादा अच्छा होता है आज, और अभी हमारे डिपार्टमेंट में 10 वर्षों के शोध कार्य के बाद इस चीज़ खोजी है, पूरी दुनिया में हलचल मचा देगी। यह तो छोटा सा विद्यार्थी भी जानता है कि हर जीव बने शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, हर कोशिका के अंदर एक खास पदार्थ मिलता है जिसे लिविंग मैटर कहते हैं, उसका नाम प्रोटोप्लाज्म या प्लाज्मा है। यह प्लाज्मा जीवित पदार्थों के अंदर ही मिलता है और कई वैज्ञानिकों के अनुसार जीवन का आधार यही प्लाज्मा है। प्लाज्मा को जीवित करके कोशिकाओं से अलग करके सारे प्रयास बेकार हो चुके हैं, लेकिन ये देखो अगर प्लाज्मा को जीवित कोशिकाओं से अलग करने में सफलता प्राप्त कर ली है, वह कमाल है। हमें इसको एक तरह से बनाए रखने की सिर्फ एक तरीका है, इसको शक्तिशाली चुंबक क्षेत्र में रखा जाए, इसलिए हमने इसको दोनों चुंबकों के बीच में रख दिया है। अब अगर हमको सही तरीके का इस्तेमाल कर सकें, इनमें से हम बच्ची जो भी जान डाल सकते हैं, लेकिन वह तरीका क्या है यह हमको नहीं पता है। शायद अगले कुछ सालों में हमको यह पता लग सके। आप लोगों ने तो भारत का सिर गर्व से ऊँचा कर दिया, लेकिन
अभी तक इस महान उपलब्धि का जिक्र नहीं किया समाचार पत्र में ना ही संचार माध्यम पर, ऐसा क्यों डॉक्टर बसु? वैसे तो इस खोज में रिपोर्ट सारी दुनिया के मेडिकल जर्नलों में छप चुकी है, लेकिन प्रेस को भी हमने खबर नहीं दी है, क्योंकि बाकी दुनिया के वैज्ञानिक हमारे दावे को परखना चाहते हैं। एक दो दिन बाद हम प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने जा रहे हैं। सबसे पहले इंटरव्यू भारतीय चैनल को ही मिलना चाहिए डॉक्टर बसु। जरूर राज, मेरा वादा है। तो फिर मैं चलता हूँ, कुछ जरूरी काम उठाकर थोड़ी देर वापस आऊँगा। जरूर राज। नागराज बंदेगार की तरफ रवाना हो गया। एक पल गया, मुझे अस्पताल में काफ़ी वक्त लग गया है। नहीं चलो, पुरानी चहलकुर का आज़ाद ना हो गया हो। अस्पताल से दूर ज़्यादा नागराज, अगर सड़क के रास्ते देख लेता तो बंदर का जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि अस्पताल की तरफ थोड़ी दो आकृतियों में से एक आकृति को जरूर पहचान लेता है। बस हमारी मंजिल आने वाली है, कोई गलत हरकत मत करना, जैसा कहता हूँ वैसा करना। वहाँ सबसे पहला काम अस्पताल की 5वीं मंजिल पर, जहाँ को चुपचाप पहुँच कर अपना रास्ता मैं तुझे बताऊँगा। सिटी हॉल के 5वीं, इस प्लाज्मा को मैंने सिक्योरिटी लॉकर में रखने का फैसला किया। डॉक्टर मूर्ति इसके सुरक्षित स्थान पहुँचने की इसकी सूचना देंगे। टॉयलेट, ऐसा क्यों डॉक्टर बासु? हमारे यहाँ खोज किसी आतंकवादी संगठन के काम तो नहीं आ सकती, या कोई बम बनाने का फॉर्मूला तो है नहीं। सही है, लेकिन फिर भी इसका गलत इस्तेमाल तो आ रहा है। यह कौन है, यहाँ तक कैसे पहुँच गया? यह बाथरूम से बाहर आया, यानी यह वेंटिलेशन शूट के रास्ते यहाँ बाहर आया है। वहाँ पर ना कोई पहरा को पहरा नहीं। तो डॉक्टर बासु, बहुमंजिली इमारतों में ताज़ा हवा के लिए आने वाली इमारतों के बीच लिफ्ट के रास्ते जैसी पतली जगह छोड़ी जाती हैं, इनको ही टी ठाट या शाफ्ट कहते हैं। पर यह है क्या, यह आखिर चाहता क्या है? दूसरी तरफ नागराज महाराज की तलाश में समुद्री खचाना था। कमाल है, प्राणी तो गायब हो गया, साथ में लंगर भी गायब, पूरा लंगर गायब हो गया, यानी इसने पूरे लंगर को ही खा डाला या फिर छिप कहीं चली गई है। मगर दोनों स्थितियों में मगर मानव गायब हो चुका है। लेकिन एक बात तो मेरे सामने स्पष्ट हो चुकी है कि कोई प्राकृतिक प्राणी नहीं है। मेरे शरीर की बनावट, उसकी शरीर की बनावट और पैंट ये बताते हैं कि किसी ने उसको बनाया और वह किसी का पालतू है। उस प्राणी को ढूंढने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, उसके मालिक को ढूंढना है। नागराज अगर अस्पताल में अपना को रुकता मगर मूर्ति सिक्योरिटी गार्ड को बुलाओ। प्लाज्मा कहाँ है? अलार्म बजा, कुछ गड़बड़ाया, लिफ्ट में कौन आया? कौन हो तुम? वहीं रुक जाओ, घबराऊंगा तो मैं तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ। अंदर एक भयानक प्राणी तुम उखड़ कर रहा है, उसकी सिरे सिर पर इन छड़ियों की मैं सर उगा जाता है। इन छड़ियों से छड़ियाँ ऐसा क्या करती हैं तुम्हारी रिवॉल्वर नहीं कर सकती? तुम खुद ही पकड़ कर देख लो, इनको पकड़ते ही तुम लोग को अपने शरीर में ऊर्जा का संचार महसूस होता महसूस होगा। देखें, वह माफ़ करना, मैं तुम लोगों को ये बताना भूल गया कि यह ऊर्जा विद्युत ऊर्जा होगी, तुमको ऐसा झटका देगी तुम 2 घंटों में तक होश में नहीं आ पाओगे। आइए, अब ये दोनों तो मेरे काम में रुकावट नहीं डालेंगे। अब देखो मगरा क्या कर रहा है। मगरा अपना आतंक फैला चुका था। बोल, कहाँ है प्लाज्मा? इनसे पूछने की कोई जरूरत नहीं है, मगरा प्लाज्मा तो मैं खुद ले लूँगा। जाकर सो जा, धाड़। अब अपने कपड़े पहन लो, इससे पहले कोई किसी कुछ पता लगे हमें ऐसे निकल लेंगे। जुलू वापस लिफ्ट में घुसा, जल्दी आश्वस्त। लेकिन मगरा लिफ्ट में नहीं घुस पाया, गर्दन में आकर एक फंदा ने उसको वापस खींच लिया। सर्रा, सांपों का फंदा है। नागराज यहाँ पर आ चुका है, यहाँ पर रुकना ठीक नहीं है। वैसे ही मगरा जानता है कि नागराज सामने हो जाए तो उसको क्या करना है। नागराज ने इन वक्त पर घटनास्थल पर पहुँचकर लिफ्ट को बंद होते हुए देखा था तो ये नहीं समझ पाया था कि लिफ्ट में उसका दुश्मन भाग रहा है। अच्छा हुआ बना बंद रहा था, मैंने अपने राज वाले कपड़े अस्पताल में छत पर छोड़ दिए थे, वरना ना तो मैं यहाँ वापस आता, ना ही मुझे पता चलता कि जिसकी तलाश में समुद्र की गहराई का पहचानो वो यहीं पर आया। यहाँ पर यह आया क्यों? खबाम दोनों डॉक्टर बेहोश है, वरना यही मुझे बता दे। प्लाज्मा गायब है, जरूर प्लाज्मा के लिए आया। प्लाज्मा इसके पास कहीं नहीं आ रहा, आगे प्लाज्मा गया। आहा, इसे पकड़ने की जल्दी में भूल गया, सांप इसका भोजन है और ये आज़ाद हो गया। ये मुझे भयंकर लड़ाई की आशंका है, इसी लैब से भाग ले जाना होगा। धाड़, ताकि तोड़फोड़ ना हो। नागराज को चाल कर भाग जाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मगरा ने उस शक्तिशाली वार ने उसे हवा में उड़ाकर बाहर फेंक दिया। वो पानी बाहर चाहने की इसकी ताकत कोई कमी फ़र्क नहीं पड़ा है। वैसे भी इसको पल भर में जान से ख़त्म कर सकता हूँ, लेकिन अभी मुझे इसको प्लाज्मा का पता पूछना है। धमाम धमाक, और इसको बिना मारे बेहोश के काबू में करना है। ये मेरे लिए तरफ आ रहा है इस बार इसको। अरे, यह तो भागा रहा है सीढ़ियों की तरह, मुझे इसे भागने से रोकना होगा। नागराज खिलाई से एक बार फिर सरपरस्ती निकली और भागते मगर आगे पैर से जा लिपटी। मगर अपना संतुलन होकर रैलिंग से जा गिरा। ओहो, यह क्या हो गया? अब तो मैं सीढ़ियों के बीच से गिरता हूँ, ग्राउंड फ्लोर पर जाकर रुकेगा, और इतनी ऊंचाई से गिरकर ये कोई बच नहीं सकता। नागराज की सोच अभी भी एक करारा झटका लगना बाकी था, क्योंकि लड़खड़ाता हुआ मगर अपने पैरों पर खड़ा हो रहा था। कमाल है, इसकी शक्ति को मैंने बहुत कम आका था, मैं इसको अपनी शक्तियों का प्रयोग करने में से नहीं हिचकूंगा। सांप सीढ़ी की रेलिंग पर सांपों की तरह चिपकता हुआ नागराज नीचे की तरफ आया। जुलू अभी तक अस्पताल में था, मगर ऊपर से गिरकर घायल हो गया था। इस स्थिति में नागराज इसको यहीं पर दबोच लेगा।
मैं ऐसा नहीं होने दे सकता, यहीं यहीं पर चुपचाप मगरा की मदद करनी होगी। नागराज ने मगरा को जादू जाने दिया और नागराज ने उस हमले में मगरा को नुकसान पहुँचाया गया, फायदा हुआ धाड़ में फिसल कर आने की गति कारण नागराज का यह वार मगरा को तेजी से लगा। शीशे का दरवाजा तोड़ दबा, मगरा पानी के फुब्बारे में गिरा, धबा हुआ पानी के स्पर्श होते ही मगरा के शरीर में अपने आप को स्वस्थ करने लगा। छनन और नागराज का अगला वार करने से मगरा की शक्ति लगभग लौट चुकी थी। धड़ाक हो, इसकी खोई भी शक्ति फिर से वापस आ गई। उसको बेहोश करना हुआ, विश्वकार हड़की फुकार देके नागराज और मगरा की इस मुठभेड़ को देखने के लिए अब तक भीड़ जमा हो चुकी थी और इस भीड़ में जुलू भी शामिल था। वैसे तो मुझे स्थिति की आशंका थी, लेकिन मगरा की नाक में फिल्टर लगाकर फिट कर दिया था। विश्वकार का असर को सिर्फ कम कर पाएगा, खत्म नहीं, लेकिन मगरा की मदद करनी होगी। नागराज की खाल की सांपों को खाल जैसी है, मेरे बनाए स्प्रे इसके सांपों को बहुत तेजी से एलर्जी होती है। स्प्रे की फुहार देख न सका, लेकिन इसका असर लगभग समझ आया। ओहो, मेरे शरीर में एक जलन होने लगी है, जलन बहुत तेजी से क्षमता खींच रही थी सोचने की, और वह मगरा खुद भी फुब्बारे में कूदना पड़ा। ओहो, शायद पानी से भी जलन कम हो सके, कुछ आराम पड़ सके। छपाक, नागराज को जलन से आराम तो तुरंत मिलने लगा, क्योंकि उस पानी का उसके शरीर पर केमिकल को थोड़ा था, हारा जाने का क्या हो गया था, लेकिन इस वरदान का मगराव भागने का मौका दे दिया और भाग रहा है। मेरे शरीर की चलन खत्म नहीं हुई है, मैं भाग नहीं दे सकता, मुझे पानी से बाहर निकलना होगा। नागराज जल में सुनसान सड़क पर विद्युत गति से मगरा के पीछे लग गया। यह दृश्य के जुलू मुखरा उठा, मगरा नागराज को वहीं ले जाएगा जहाँ पर नागराज को गुलाम बनाने की प्रक्रिया का पहला भाग पूरा होगा। मुझे भी यही करना है, पहुँचना चाहिए अस्पताल में कुछ किलोमीटर दूर। टूटी सड़क की मरम्मत मजदूर खलबली मच गई। रामदीन फेंक तारकुल का डब्बा और भाग, क्यों क्या हो गया? उधर देख, कोई अगर कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्यों ना सुनने की। सारे मजदूर सिर पर पांव रख के भाग गए और नौकरा दौड़ना वहीं रुक गया। अब ये भाग नहीं रहा, ये रुक गया, ये मेरा इंतजार कर रहा है, पर क्यों? नागराज पर जरा सतर्क होता था, मगरा के इरादे का पता लग जाता, क्योंकि पैर जमीन को छूते ही मगरा के हाथ घुमाए। है भगवान, ये मुझ पर पिघले काल तौर उसका कोल तार का भरा ड्रम फेंक रहा है। नागराज कोल तार लपक कर बच सकता था, लेकिन कोल तार फिर भी गर्म कोल तार आधे शरीर को बिखोड़ा रहा। नागराज चिकोड़ा, आहा, कोलता ने मेरे शरीर को छुलछा डाला है, लेकिन चूंकि हवा मुड़ कर ये फेंका गिरा है, इसलिए इतना गर्म नहीं है, वरना मैं जिंदा ही नहीं बचता। अब मेरे शरीर सूख खड़े खोल पैदा कर रहा है, मैं कुछ देख नहीं पा रहा। मैं अपने हाथों का इस्तेमाल नहीं, कैसे बाहर निकलना होगा, और इस कैद से बाहर निकलने का सिर्फ यही एक रास्ता है कि मुझे अपनी कैचली छोड़ दूँ। ठीक उस तरह जब मैंने तब छोड़ी थी, जब मैंने मिस्किल ने मुझे मकड़े के जाल में चिपका दिया था। और वैसे भी ये खाल कोलता किलने से जल चुकी है। खर्र, पड़े नागराज का अंत। हाँ, चैनल पर अपलोड है ऑलरेडी। लेकिन मैं एक बड़ा खतरा मोल ले रहा हूँ, अभी मुझे कैचली बदले ज़्यादा वक्त नहीं लगा, और मैं नहीं जानता कि इतनी जल्दी दोबारा कैचली बदलने पर मुझ पर क्या असर होगा। क्या ये सोचना वक्त नहीं, अगर मैंने कैचली अभी बदली नहीं तो मगरा मानव निकल भागेगा और मैं ऐसा होने नहीं दे सकता। तू हाँ हाँ तूने ठीक भाई किया, जब मैंने सोचा था नागराज, अब तू अपनी कैचली को यहीं पर छोड़कर मगरा के पीछे जाएगा। जुलो की पीछे योजना काम कोई कमी नहीं थी, नागराज आ सकते मगरा के पीछे। इस बार में तुझे ना हमला करने का मौका देना भागने का, मगरा को तू कभी नहीं पकड़ पाएगा। दो बार तू अपने प्रयास में असफल हो चुका है, तीसरी बार भी असफलता ही तेरे हाथ लगेगी, क्योंकि मैं एक ऐसे रास्ते से भाग रहा हूँ जो सीधा समुद्र में जाकर खुलता है, और एक बार समुद्र पर पहुँचने का तू मेरा पता नहीं लगा पाएगा। यह सीवर लाइन के रास्ते भाग रहा है जिसका पानी सीधा समुद्र में जाकर गिरता है, पर मुझे अचानक यह क्या हो रहा है? मुझ पर सोचती छारी नींद छारी है, ये जरूर कैचली उतारने का परिणाम है। इतनी जल्दी दोबारा कैचली उतारने के कारण मैं भी सर्पों की तरह सुप्त अवस्था में जाऊंगा और मगरा को भी मैं भागने नहीं दूंगा। पर इसको रोकेगी प्रचंड विश्वंकार। नागराज की विश्वंकार ने मगरा को बेहोश तरह तुरंत ही हो गया फू, लेकिन किस्मत स्थिति के वाले लड़खाकर सड़क पर गिरने की बजाय गटर के अंदर गिरा। सुप्त अवस्था, सांप अगर अपनी कैचली छोड़ने के बाद लंबी निद्रा में चले जाते हैं, इस अवस्था को सुप्त अवस्था कहते हैं। लेकिन नागराज उसका पीछा छोड़कर वहीं गटर में गिर गया और अब लड़खा कर वहीं गिर गया। आ, अब जुलू को ना कोई देखने वाला था, रोकने वाला हवा हो गया काम। कैचली अपने ही मालिक के जुलू को गुलाम बना देगी और फिर नागराज मेरे लिए काम करेगा, और मुझे वापस शिप पे जाना चाहिए जहाँ पुरानी लैब में कैचली प्लाज्मा की मदद से जीवित प्राणी का निर्माण करूँगा। मगरा के बारे में मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं, देर सवेरे शिप पर आ जाएगा। सुबह का सूरज निकल चुका था और भारती की तबीयत काफ़ी सोच चुकी थी। आप मिस्टर राज और फिर मिस्टर राज आपको छोड़कर किसी ज़रूरी काम चले गए, किसी ज़रूरी काम से और समझिए कल जरूर रात गड़बड़ हुई होगी, राजस्वी से गए होंगे। गड़बड़ तो कल रात यहाँ पर भी थी, नागराज की एक मगर मानस से लड़ाई हुई थी, फिर यहाँ पर फिर क्या हुआ? वह भाग गया, वह बाहर भागा, नागराज भी उसके पीछे पीछे भागा।
और अभी पीछे पीछे अस्पताल से भी कुछ लोग आए थे तमाशा देखने, और अभी तक वापस नहीं आए, आ गए हैं। लेकिन यह क्या, नागराज को स्ट्रेचर पर उठा लाया जा रहा है। स्ट्रेचर पर कुछ ही घंटों में स्थिति पता लगी और मरीज अब तीमारदार बन गया था, और तीमारदार मरीज। आश्चर्य की बात है, मैं स्वार्थी नागराज की खाल से ऐसा लगता है जैसे वह किसी भट्टी के सामने काफ़ी देर खड़ा हो, पूरी खालसी की लग रही है, इस तरह कोई सोया हुआ जा लग रहा है। खैर मैं इलाज शुरू करता हूँ, लेकिन नतीजा आते हैं समय लगेगा। नागराज, मेरा दोस्त है डॉक्टर वासु, मैं इसकी देखभाल करूँगी, आप इलाज शुरू कीजिए। इधर नागराज का इलाज शुरू हो रहा था, तीमारदार मरीज की सेवा करने वाला, और दूसरी तरफ समुद्र में तैरती शिप पर नागराज की कैंचली का एक पुतला तैयार किया जा रहा था। आह, डीजल से कोल तार को धोने के बाद कैंचली चमक गई, और अब सबसे पहले इस खाल को ज़रूरी चीज़ों से भरकर इसमें प्लाज्मा का जार फिट करना होगा, और फिर यह पुतला मेरे इशारों पर नाचेगा। नागराज इसके इशारों पर। दिन बीता, सूरज एक बार फिर क्षेत्र में नीचे गिरने लगा, और महानगर क्या को अंधकार के आगोश में जकड़ने लगा। और महानगर में कई स्थान ऐसे जहाँ पर 24 घंटे काम चलता है। भारतीय कम्युनिकेशन लिमिटेड ऑफिस की भी एक ऐसा स्थान है। भाटी है, कोई मजाक तो नहीं, अगर इसे मजाक समझोगी तो एक सनसनी के खबर सजीव पसाण को होते हुए गुड बाय। क्या हुआ नशा, चिल्ला के रही हो? कोई जोकर फ़ोन पर बता रहा था कि 15 मिनट बाद के अंदर प्रिंसेस स्ट्रीट के ज्वेलरी मार्केट में एक सनसनी की घटना होने वाली है। उसके सजीव पसाण की सलाह दे रहा था। कौन है, अपना नाम कुछ बताया नहीं, लेकिन बोलचाल के लिए कोई निग्रो लग रहा था। हो सकता है वह सच बोल रहा हो। हमें ओके वैन लेकर पेस्टी चलते हैं, अगर कुछ नहीं हुआ तो वापस लौटाएंगे। ठीक है, ठीक करें, चलो चलते हैं। भारतीय कम्युनिकेशन में फ़ोन जुलू ने किया था, और यह मजाक नहीं होता, प्रिंसेस स्ट्रीट में एक इतिहास बनने वाला था। यार यह तो नागराज है, यह इस वक्त यहाँ पर क्या करा, जरूर किसी को ढूंढ रहा होगा। मुझे यहाँ का चौकीदार होने के नाते नागराज की मदद करनी होगी। ओ बी एन आउट साइड ब्रांड कास्टिंग मैन, यानी बाहर से भी प्रसारण कर सकने वाली बैन। नागराज जी, मैं आपको कोई मदद कर सकता हूँ? चौकीदार की आंखें तो पहले आश्चर्य हुआ, फिर भय, सिर्फ एक पल के लिए, क्योंकि उससे अपने होश को बैठा, उसके बाद तड़ाका और कैचली अपने निशाने पर चुकी थी। नागराज गुलाम बनाने के लिए कुटिल स्कीम चल चुकी थी। कड़ा और चैली शॉप के शॉप विंडो बुलेट प्रूफ शीशे ने एक घुसने तोड़कर निकालने के साथ ही भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी आ चुकी थी। ओ माय गॉड, ये तो नागराज लग रहा है। ये चैली शॉप घरेलू उपचार है, यानी खबर सही मिली थी। निशा, कैमरा चालू करो, हम इसका सीधा प्रसारण करेंगे। प्रिंसेस स्ट्रीट की दुकानों की सुरक्षा व्यवस्था थी, विंडो सीट टू थी। नज़दीक के पुलिस स्टेशन में आराम जुटा, आराम कैसा है? प्रिंसेस स्ट्रीट पर लालवानी ज्वेलर की दुकान में किसी ने घुसने की कोशिश की है, वहाँ पर तुरंत फोर्स भेजनी होगी। मैं खुद पुलिस फोर्स लेकर वहाँ स्पेशल दस्ता लेकर जा रहा हूँ। और अस्पताल में भारतीय नागराज के बगल में बैठी हुई बोर हो रही थी। नागराज तो सोता ही जा रहा है और पूरा दिन निकल गया। जरा भारतीय चैनल पर लगाकर देखा जाए क्या हो रहा है। अरे ये तो निशा है, क्या ये न्यूज़ का कहाँ ही की न्यूज़ कवर कर रही है? भारतीय न्यूज़ का सीधा प्रसारण आपके प्रिंसेस स्ट्रीट से आ रहा है। यहाँ पर नागराज ने एक ज्वेलरी शो केस का शीशा तोड़कर गहने निकाल रहा है। उन सभी दुकानों के इमरजेंसी अलार्म सिस्टम लगे हुए हैं, वह जरूर बच चुका है, लेकिन पुलिस तक यहाँ नहीं पहुँची है। नागराज तो यहाँ पर सोया हुआ है, जरूर कोई ना कोई नागराज को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। उसे मुझे रोकना ही होगा, लेकिन भारतीय इसको रोक नहीं पाएगी। इसके लिए मुझे किसी और की मदद लेनी, इसके लिए मुझे घर जाना होगा। तुम आराम करो नागराज, भारतीय के रहते तुम्हारे नाम पर आज नहीं आएगी। मिस्टर जरा नागराज का ध्यान रखना, अभी थोड़ी देर के लिए आती हूँ। भारतीय को कुछ घर का अस्पताल जादू ढूंढने लगी, और कुछ देर में भारतीय पहुँच चुकी थी। मम्मी पापा की मुझे धुंधली से याद है, वे दोनों एक साथ कैसे मरे यह था दादाजी ने मुझे कभी नहीं बताया, पर मुझे इतना ज़रूर याद है कि उनकी मौत के बाद दादाजी ने मुझे कुछ छटपन से ही हर तरह की लड़ाई की ट्रेनिंग दिलवानी शुरू की थी। और उस ट्रेनिंग के पारंगत हो जाने के बाद उन्होंने मेरे लिए खास पोशाक डिज़ाइन की थी, और मुझे एक खास नाम दिया था, फेसलेस, ताकि किसी मुसीबत के बाद मैं अपनी पहचान को गुप्त रखकर दुनिया और दुश्मनों का मुकाबला कर सकूँ। इस रूप का इस्तेमाल मैंने नागपाशा के अड्डे में घुसने के लिए किया था, और इसका इस्तेमाल अब मैं नागराज को बचाने के लिए करूँगी। पढ़ाएं शाकरों का चक्कर भी हो, चैनल पर अपलोड है हमारे नागराज को उसकी ब्रेस्ट में आगे पड़ी है। लेकिन फेसलेस के घटनास्थल पहुँचने में और पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स प्रिंसेस ठीक पहुंच चुकी थी। कमाल है, इसने गहने के शोकेस तोड़कर निकाल लिए, लेकिन फिर ये भागने की कोशिश करने का, पकड़ लो इसे। आदेश मिलते ही एक पुलिस के जवान नागराज पर टूट गया। हाँ पकड़ लिया सर, पर यह तो नागराज लगता है। नागराज, हाँ सर आप खुद देख लीजिए, ये तो नागराज है। ये नागराज नहीं है, मेरा मतलब कुछ और है, पकड़ लो इसको। सभी ने मेरे को कैंचली को दबोचने की कोशिश की, और सफल भी हो गए, लेकिन सिर्फ एक पल के लिए। हाँ इसमें तो गजब की ताकत है, जुलिया सीधा पसंद देख रहा था। चलो परंपरा के अनुसार पुलिस तो आ गई, और अब नागराज भी आएगा।
जुलू यह नहीं जानता था कि नागराज सुप्त अवस्था में था, और लेकिन कोई और घटनास्थल की तरफ बढ़ रहा था जहाँ पर कैचुली सिपाही के हथियार उठा पाने का मौका नहीं दे रही थी, नहीं दे रहा था। और हेवगान हेवगान, मैं मर जाऊँगा, मेरा खोपड़ा खुल जाएगा। अरे ये तो सीधा मीटर आ रहा है, मुझसे टकरा कर मुझे मरवाएगा क्या? लेकिन दोनों की सिपाहियों की खोपड़ियाँ आपस टकराने से पहले ही, अरे ये कौन है? तुम दोस्त है, दुश्मन खा की वर्दी। जब तक कानून की हद में है तब तक मैं उसका दोस्त हूँ, और जो भी कानून की हद से बाहर जाएगा वह फैसला का दुश्मन होगा। हालांकि इससे मेरी दुश्मनी की वजह कुछ और ही है। इधर मिस्टर कैचली युद्धस्थ के हलकरा में पारंगत फैसली की खगा लड़ रहा है ताड़, और इधर नागराज अस्पताल में रजरखी चौकोटी डॉक्टर पास जल्दी आई। क्या हुआ सिस्टर? ओ माय गॉड, नागराज दस तरह पर दस तरह एक एक क्या हो गया? टीवी पर देखिए डॉक्टर, यह शुरू होते ही नागराज दर्द से तड़पने लगा था। अरे यह तो सीधा पहचान आ रहा है, नकाब पोश नागराज जैसे दिखने वाले किसी आदमी को पीट रहा है। उस पटाई का असर नागराज पर क्यों हो रहा है? प्रिंसेस स्ट्रीट पर लड़ाई जारी थी, अगर ये नकाब पोश एक सेकंड के लिए भी दूर हो जाए तो इस नागराज का बदन छलनी कर दूं। फेसलेस के एक सटीक वारी मिस्टर कैचली को दूर जाकर गिराया, उफ तड़ाक, और ठीक उसी पल कई बर्दने कर जो उठी। लेकिन पुलिस पर कैचली वैसा कोई खासर नहीं होता तड़ तड़ा, क्योंकि मरे हुए को भला कौन मार सकता था। लेकिन अस्पताल में सोया नागराज चीख कर उठ बैठा, आ अरे पुलिस वाला उस नागराज पर गोली चलाई और गोलियाँ उनको उसको लगी हैं, लेकिन खून नागराज किसी बहन लगा। यह क्या हो रहा है, यह सब क्या हो रहा है डॉक्टर? मैं यहाँ पर कैसे आ गया? डॉक्टर बासु जितना कुछ जानते थे उन्होंने नागराज को बताया। ओहो, लेकिन यह तो मेरी ही कैचुली है, जरूर किसी ने तंत्रवत विद्या का ब्रोकर के इसका ऐसा पुतला बना दिया जिसका संबंध मेरे शरीर पर से है। इस पर पड़ने वाली हर चोट का असर मेरे शरीर पर पड़ रहा है। मुझे तुरंत ही फैंस चीप बनना होगा, इन लोगों को पुतले को नुकसान पहुँचाने से रोकना होगा। लेकिन अगर लोगों ने किसी तरह से पुतले को ही अंग काट डाला तो मेरा भी अंग कट कर जरूर गिर जाएगा। कैचुली पुलिस वालों पर अपने वार कर दिया था, बारी मिस्टर कैचुली की थी। पुलिस वाले बहुत तेज़ी से बेहोशी की दुनिया की तरफ जा रहे थे। आइए धड़ाक, लेकिन मिस्टर कैचली ज़्यादा बात नहीं है। फेसलेस, ये यहाँ पर क्या हो रहा है? ये सूडोग्राफी साफत को मेरे चंगुल से छूटने नहीं देगी। इधर फेसलेस ने कैचली की भाग कसकर मोड़ी और नागराज के हाथ से दर देखते लह तोड़ गई, और नागराज को रस्सी नागराज से छोड़ने मजबूर होना पड़ा। नागराज, तुम तो मुझे पता नहीं है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो फेसलेस, लेकिन इसको छोड़ दो, मैं तुम्हें इसको नुकसान पहुँचाने नहीं दूंगा। ये क्या कह रहे हो नागराज? ये एक अपराधी है, इसने तुम्हारा रूप धरकर गहनों की चोरी की है, तुमको बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, तुम इसको छोड़ने की जगह पर क्यों? यह मेरी कैचुली है फैसलेस, और तुम्हारे क्यों का जवाब देने का जितना वक्त लेगा उतना वक्त मेरे पास नहीं है, छोड़ दो इसको। नागराज अभी घायल है, या मुझे लग रहा है कि नागराज का मस्तिष्क अभी भी से जाग नहीं पाया है। मैं इसकी बात मानकर कैचुली को छोड़ नहीं सकता। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है नागराज कि तुम एक अपराधी की तरफदारी कर रहे हो लेकिन फिर भी अपना शिकार छोड़ नहीं सकता। मैं अपनी जीभ का इस्तेमाल में कर चुका, मैं तुमको अपने हाथ पैरों से समझाऊंगा, लेकिन चूंकि तुम मेरे दुश्मन नहीं हो और नागपाशा से मेरा खजाना पाने में तुमने मेरी मदद की थी, इसलिए मैं तुम पर कोई घातक वार नहीं करूंगा। धड़ाका, ओह नागराज अपनी इस अपराधी कैचली को बचाने के लिए मुझ पर हमला कर रहा है, लेकिन मैं इस कैचली को भागने की तैयार नहीं दे सकती, लेकिन नुकसान आखिर नागराज का ही होगा। लेकिन सारे पुलिस वाले बेहोश हैं और अपना कैमरामैन रिपोर्टर से मुझे मदद की उम्मीद नहीं है, इसलिए लड़ाई मुझे अकेले लड़नी होगी। धाड़, यह लड़ाई रोचक तो जरूर थी, लेकिन एक तरफ फैसले के दांव पेश थे, दूसरी तरफ नागराज के पास सहन शक्ति थी, लेकिन यह लड़ाई ज़्यादा देर तक नहीं चल पाई क्योंकि नागराज को एक आश्चर्यक मदद मिल गई। अरे यह क्या, कैचुली ने फैसलेस के पीछे वार क्यों किया, लेकिन क्यों हमारी मदद क्यों कर रहा है? अरे अब तो इसको तब तक भाग जाना चाहिए था। थमाम, यह भाग रहा है या मुझे रुख खींच कर ले जाना चाहता है, यानी कोई जाल इंतजार कर रहा है, लेकिन मैं इसका पीछा नहीं छोड़ सकता। मुझे पता करना होगा इस कैचुली को किसने ले जाकर इसमें जान डाली और कैसे। कैचुली पहले से तय योजना के अनुसार शिप की तरफ बढ़ गया, और दूसरी तरफ बेहोश मकरा भी समुद्र के बाहर तैर रहा था, लेकिन जहरीली फुंकार का असर धीरे धीरे खत्म भी हो रहा था। और शिप के बाद जुलू खुश भी था, चिंतित भी। वेरी गुड, कैचुली नागराज को लेकर आ रहा है, मैं नागराज समझा सकूंगा कि उससे मेरी गुलामी क्यों करनी पड़ेगी, लेकिन यह मकरा काम मर गया, मुझे उसकी मदद की जरूरत पड़ सकती है। नागराज का उसी वक्त मंजिल पहुँच गया था। मेरी कैचुली जहाज पर ही नहीं आई, यह शिप मेरी यात्रा का अंत है। मुझे अंदर घुसना होगा, कोई चाल हुई तो फंसाने का पूरा इंतजाम किया गया होगा, लेकिन यह कहीं से कहीं आवाज़ नहीं आ रही। मेरे पैर में दर्द शुरू हो गया। कैसा महसूस कर रहे हो नागराज? दर्द हो रहा है क्या? कौन हो तुम?
अब तुमने पूछा है तो पैसे देना ही पड़ेगा। मैं तुम्हारा नया मालिक हूँ नागराज। मेरा ना वैसे तो मेरा नाम जुलू है, लेकिन तुम मुझे सर कहकर बुलाओगे। ओहो, लेकिन तुमको मेरा मालिक किसने बना दिया? इसने यानी तुम्हारी खाल ने। इसकी जांघ पर एक डंडा मार दी, तुम्हारे पैर में ते दर्द शुरू हो गया। मेरी कैंचुली यानी तुमने ही इसको ऐसा पुतला बनाया है जिस पर पड़ने वाले हर दर्द का असर मेरे शरीर पे होता है, लेकिन तुमने इसमें जान कैसे डाली? उसी प्लाज्मा के अंदर फिट करके जिसे मगरा ने अस्पताल में उठाया था और मैं जिसे लेकर यहाँ पर आया था। ओह, यानी मगरा भी तुम्हारा ही आदमी था। तुम ऐसे अजीब गरीब प्राणी बनाने के एक्सपर्ट लगते हो, कैसे बनाते हो तुम ऐसे प्राणी? चलो, सबसे पहले तो तुम्हें मेरा नाम लेने की जरूरत करने की सजा भुगत देना। नगरा तड़ाक धड़ाक आह, अब अपने सवाल का जवाब सुन लो। मेरा जन्म दक्षिणी अफ्रीका के इस कबीले में हुआ है जो मेरा बाप तंत्र उस कबीले का ओझा था। तंत्र मंत्रों में बड़ा बड़ा ज्ञानी। मेरा बचपन तंत्र मंत्रों को खासतौर से बुड्ढू विद्या सीखने में बीता है। बुड्ढू तो जानते हो गए तंत्र विद्या, जिसे किसी व्यक्ति का अभिमंत पुतला बनाकर उस व्यक्ति को तड़पा तड़पा कर मारते हैं। बुड्ढू को तो मैं विशेषज्ञ बन गया था, लेकिन इस प्रैक्टिस करने के लिए मुझे मौका नहीं मिला क्योंकि मेरा चाचा मुझे कबीले से निकाल कर अपने साथ जोहान्सबर्ग शहर ले गया। पढ़ाई में काफ़ी तेज था। कुछ साल बाद मेरा दाखिला मेडिकल स्कूल में हो गया। मैं पढ़ाई ख़त्म करके बाहर निकला तो कुछ सालों में एक अंदर एक जाना माना बायोलॉजिस्ट बन गया। लेकिन परम्परागत पढ़ाई मुझे कभी आकर्षित नहीं गई। मेरे अंदर कुछ नया करने का जोश था, इसलिए मैंने अपनी खुद की लेबोरेटरी बनाई, नए नए प्रयोग करने लगा। मेरा सबसे बड़ा प्रयोग था इंसान और जानवर के संयोग से नया प्राणी पैदा करना, और इसके लिए मैंने मगरमच्छ और शुक्राणु के एक महिला के घर में प्रत्यारोपित कर दिया और प्रयोग सफल रहा। और उस प्रयोग उसके औरत के बेहोश ऑपरेशन द्वारा शिशु प्राणी बाहर निकलाया। उस औरत को बताया कि मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ था और वह शिशु मग रहा था। कितना घृणित काम किया तुमने जुलू, तुमने फिर मेरा नाम लिया। खैर, वैसे मैं तुम्हारा अंदाजा सही था, मगरा ही बच्चा था। उसका प्रयोग सफल होने मेरा हौसला बढ़ गया और मैंने अपना ध्यान मुर्दे में जान डालने का प्रयोग केंद्र किया। इससे मुझे काफ़ी सफलता मिली, लेकिन जीवन का सबसे महत्वपूर्ण भाग प्लाज्मा मैं नहीं बना पाया। इसलिए जब मैं मेडिकल जनरल में पढ़ा तो महानगर में प्लाज्मा बना लिया गया था। मैं तुरंत महानगर की तरफ रवाना हो गया, लेकिन मैं ये भी जानता था कि महानगर में प्लाज्मा हासिल करने के लिए मुझे तुमसे टकराना ही पड़ेगा। इसलिए लिए मैंने दुधारी योजना में तेरा वुडू पुतला बनाकर तुझे जान से मारने की योजना, लेकिन चूंकि तुझे मेरे तेरे बारे में ज़्यादा पता नहीं था, इसलिए मैंने तेरा वुडू पुतला बनाने के लिए मुझे तेरे से क्या कोई हिस्सा चाहिए था, लेकिन तेरे विभिन्न कानों को पढ़ने का पता चला कि तू मकर जाल में चिपक जाने के कारण तूने कैचड़ी बदली थी। बस मकर जाल में चिपक जाने का बस मैंने तेरे उस हिस्से को अच्छा इससे अच्छा और क्या सकता था। मैंने तो एक कैंचुली दबाने के लिए मजबूर करने के प्लान बनाया और साथ ही प्लाज्मा भी चुराना था, लेकिन किस्मत देखो एक ही ऑपरेशन से मेरे दोनों काम हो गए। तेरी कैंचुली के अंदर कुछ जरूरी अंत फिट करने थे, मैंने एक पुतला बनाया और उसके अंदर प्लाज्मा का जार फिट करके उस पुतले में जान फूंक दी। अब यह पुतला एक चलता फिरता वुडू पुतला बन गया। वुडू पुतला, इसके लिए होने वाले हर वर्ग का असर तेरे सही पर होगा। अब इसी कदम कट जाए तेरी कदम सलामत रहेगी, इसलिए अब तेरा भी यही काम है नागराज, अपनी कैंचुली की हर पर रखवाली करना। और इसमें छोटे मोटे काम करूँगा, जैसे ब्रिटेन की महारानी से ताज, कोहिनूर हीरा बनाना, फोर्ट नॉक से सोने का सिलसिला बनाना वगैरह वगैरह। और इन सब कामों में इसकी सुरक्षा करेगा तू नागराज। तू सपने मत देखना बंद कर दे जुलू, नागराज मर जाएगा लेकिन ऐसे काम कभी नहीं करेगा। तो फिर मरने की तैयारी शुरू कर दे, शायद इस तैयारी से तेरा दिमाग बदल जाए। हाँ, ये तो सचमुच कैंचली के जरिए भी जान निकालने को उतारू है, लेकिन इस कैंचली के पास जाने से रोकना होगा। नागराज कलाही सांपने के लिए पहले जुलू के इलेक्ट्रोड लॉक रॉड को गिरा दिया और फिर जुलू कैंचली के शरीर को चारों ओर तरफ से लपेटना शुरू कर दिया। अब तू कैंचली को छू नहीं पाएगा जुलू, ना ही कैंचली को आजाद पाएगा। मैं जानता था कि तू ये चल चलेगा नागराज, इसका भी इंतजाम मैंने कर रखा है। तू रिमोट दे, ये कैंचली के पेट में फिट एक बम है, रिमोट है नागराज। अब तू अपने नागों को वापस बुला ले, वरना मेरा रिमोट कैचली के पेट में बम फोड़ देगा और फिर तेरे पेट का क्या होगा ये तो खुद ही सोच ले। ऐसा है तो मैं तेरे हाथ में रिमोट ही नहीं रहने दूंगा। कहीं घबराहट नहीं ना चाहिए, कहीं घबराहट में तुझसे बटन दब गया तो गड़बड़ हो जाएगी। नागराज कला कब सब निकले विद्युत गति से चुलू क्या से ले उड़े चुलू देख नहीं पाया सर सर। और फिर अब मेरी हल्की विश्वकार तुझे बेदम कर देगी। अब अगर तू चाहता है कि मैं तुझ पर तीव्र विश्वकार ना छोड़ूँ तो इस कैचली को निश्चित करने का तरीका बता। लेकिन इससे पहले कि जुलू नागराज का प्रस्ताव स्वीकार या अस्वीकार कर पाता, रिमोट नागराज के हाथ से छूट गया। मगरा वाह, बड़े सही मौके पाया मार इसको बड़े अपनी, मगर इस बार अपनी सांस विश्वकार छोड़े तो सांस रोक लेना तड़ाक।
वो मगर मानव है और सांस को काफ़ी देर तक रोके रख सकता है। अब मैं रिमोट को अपने हाथ में लेता हूँ। रिमोट कहाँ गया, कहीं नज़र नहीं आ रहा। उसको ढूंढने में समय लगेगा। सबसे पहले कैचली को सांपों खोल से निकालना होगा और उसके लिए मुझे लैब में जाना होगा। जरूर लपक कर लग पाया। हाँ, यह रहा केमिकल स्प्रे सांपों को तो ज़्यादा तेज चलन पैर करता है। दोनों लड़ते लड़ते लैब में आ गए। जल्दी रोकना होगा वरना मेरी लैब पूरी तरह तबाह हो जाएगी। जुलू का डर सही था दोस्त। चलियों के बाहर से लैब नाजुक के धुन की तरह पिस रही थी। इस पर भी सब चाहना बेचकर शायद बिजनेस भी। इसकी खाल काफ़ी मोटी लगती है। अगर शायद शक्ति से काबू में नहीं आया तो विश्वंका के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता। नागराज के पास समय काफ़ी कम बचा था और दूसरा दुश्मन भी आजाद हो रहा था। हाँ, त्वचा में हो रही जलन से बचने की तरह 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 भाग गया नागराज के नाग भाग रहे हैं। शीघ्र ही कैचली सर्फ बंदरों से आज़ाद थी और नागराज लड़ाई को जल्दी ख़त्म करना चाहता है। यह तो जानवरों की तरह बिना थके लड़ रहा है। इसको विश्वंकार से रोकना होगा। विश्वंकार तीव्र धारा लगातार मारता ही जाऊंगा। देखता हूँ ये कितनी देर तक सांसें रोके रख सकता है। फू, मगरा दुविधा में फंस गया। उसके फेफड़ों में ऑक्सीजन खत्म हुई थी और सांस रोकने का मतलब था तुरंत बेहोश लेने का मतलब तुरंत बेहोश हो जाना। लेकिन सांस न लेने का भी नतीजा वही निकलना था। नागराज ने अपनी युक्ति से मगराव को लगभग परास्त कर दिया था। लेकिन तभी नागराज सांस रुक गई। अरे क्या हो रहा है कि मैं दम घुटने लगा है इसलिए नागराज, क्योंकि मैंने तेरे जुड़वे की गर्दन दबा रखी है। इसका दम घुट रहा है तो अरे तेरा भी दम घुटेगा। ओह, कैंचली आज़ाद हो गया। फिर दूसरे अपने पैरों पर खड़ा हो गया। जरूर इस बार तेरा कुछ लंबा इंतजाम करना पड़ेगा। इस फन फाले सर्फ के बिस्तर से तेरे हाथ पैर कुछ समय के लगवा कस्त हो जाएंगे। स्कच आहा। लेकिन तब तक मगराज जुलू की सरकत से सीखी कोशिश करता। उसका हाथ कैंची झटक रहा है और नागराज चीख चुका धाड़ ताड़ आहा। इससे पहले कि नागराज संभल पाता मगरा का वार उसके बदन से अटक रहा धम। आहा, यह तो मुझ पर दो तरफ से वार कर रहा है। मैं संभलने का मौका नहीं दे रहा। और जब तक मैं संभल नहीं जाता तब पलट का वार कर रहा है। इस वक्त अगर किसी मगरा किस तरह मगरा को एक सेकंड के लिए रोक सके तो। नागरा ने तो शायद सच्चे मन से इच्छा की थी क्योंकि अगले पल उसकी मदद हाजिर हो गई। खचाक खटाक फेसलेस, तुम यहाँ कैसे आ गए? वहीं से जहाँ से तुम आए हो नागराज, मैं तुम्हारा पीछा किया था। जब तुम थोड़ी देर के शिप से बाहर नहीं आए तो मैंने अंदर आने का इरादा बना लिया था। तड़ाक, अब मैं इस मगरमच्छ के आंसू से निकलवाऊंगा। तुम अपना ध्यान कैचली को नष्ट करने लगा। धड़ाक फेसलेस मगरा को उछाल कर लैब के बाहर खींच लाया और लैब में रह गए नागराज कैचली और जुलू। अब इस कैचली को निष्क्रिय करने का ज़्यादा मुश्किल काम नहीं होना चाहिए। एक बार इसको सांप का बच्चा, इस बार जुलू इसमें कोई मदद नहीं कर पाएगा। नागराज के सर बार कैचली से बचा गया लेकिन दूसरा बार पहले ही चुके चुलचुला उठा। कैचली अपने हाथ मशीनों पर मारता जा। अगली पल कैचली अपने हाथ लोहे पटक लिया और नागराज एक बार फिर चीख उठा आ। मुझे अपने हाथों की हड्डियाँ टूटती महसूस हो रही है। मैं तड़पा तड़पा कर मानना चाहता है इसको ख़त्म करना ही चाहता था क्योंकि इसकी जान ख़त्म नहीं कर सकता कि जान प्लाज्मा इसके पेट के अंदर फिट है। इसको पेट फाड़ कर निकाला जा सकता है और इसका पेट फाड़ना ही मेरी पेट की हालत होगी। यह क्या कोई मूर्ख समझता है? अगर किस तरह से प्लाज्मा को नष्ट कर, एक मिनट प्लाज्मा को नष्ट कर सकता हूँ और इसमें मदद करेगा ज्वलनशील एसिड। तड़ाक, नागराज एक ही बार में सदैव बार में से ऊपर एक ही बार चार ऊपर से नीचा गिरा। ताड़ और एसिड ने कैंचली के शरीर को भिगो डाला। नागराज ये तूने क्या किया? नागराज ये एसिड तेरी कैंचली को रट डालेगा, सारी तेरे शरीर को गल जाएगा। तू गलकर बनना चाहता है क्या? छना छन छनाक छनाक, मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं जुलू। मैं तो अपनी कैंचली को अग्नि से क्रियाक्रम करना चाहता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक स्पार्क से चिंगारी ने एसिड को सुलगा दिया। छा 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 आ, यानी तू गलकर नहीं जलकर मरना चाहता, जैसी तेरी इच्छा मर। ज्वलनशील एसिड देखते देखते आग की लपट कैचली की तरफ घेर लिया। आ छनाक आहा, साथ ही साथ नागराज करा उठा उसकी सीट जलन लगने। लेकिन क्या किया जाए? ये क्या किया था नागराज ने? मौत तो खुद बुला कर ले आया था नागराज। और कैचली की आग में लपटते गंदर लेते हैं। नागराज की सही की जलन बढ़ती चली गई। उफ, लेकिन जब तक कैचली पूरी तरह भस्म राख बंदी हुई नागराज तब भी सलामत था। यह क्या नागराज, तुम्हारी कैचली जल गई लेकिन तुम फिर भी समय उससे सलामत हो कैसे? पहले तुम बताओ मगरा कहाँ गया? मुझे छाक लाते खुद पानी में गिरा। बताओ तुम कैसे बच गए? बताओ ये अभी मैं भी जानने के लिए बताओ। बस इतना समझ लो चलो, मैंने एक तुक्का लगाया था जो तीर बन गया और अचूक तीर। हालांकि ये बात पूरी तरह सच नहीं है। मेरी जान डॉक्टर वासु की सिर्फ एक बात ने बताई, उन्होंने मुझे बताया था कि प्लाज्मा से चुंबकीय क्षेत्र में ही बाहर रह सकता है। अगर चुंबकीय क्षेत्र नहीं होगा तो प्लाज्मा भी खत्म हो जाएगा। मैंने चुंबक की दुश्मन होती है गर्मी, गर्म करने की चुंबक भी अपना चुंबकीय बल्क होगा, सिर्फ लोहे का टुकड़ा लग जाती है। मैंने वही किया, कैचली के शरीर में लगी आग प्लाज्मा जार के चुंबकीय क्षेत्र को नष्ट कर दिया था। प्लाज्मा भी खत्म हो गया था जब इस पुतले में जा ही रही, तो मैंने इसका संबंध भी मुझसे खत्म हो गया।
लेकिन यह बात डॉक्टर बासु ने मुझे राज के रूप में बताई थी। अगर यह बात मैं इनको बताऊंगा तो मेरे राज के रूप में राज खुलने का खतरा पैदा हो जाएगा। क्या सोच रहे हो नागराज? देखो आग तो फैलती जा रही है। अरे हम सब बाहर मारे जाएंगे। पेट्रोल टैंक ठीक इसी लैब के नीचे है, लेकिन इसमें किसी की जान को खतरा नहीं होगा। सब शिफ्ट से कूट पड़े हैं, लेकिन इसी पर शिफ्ट पड़ा विस्फोट के धक्के से चुलू नागराज के हाथ से छूट कर दूर जा गिरा। तुम ठीक तो हो फेसलेस? मैं तो ठीक हूँ नागराज, लेकिन चुलू और मगरा कहीं नजर नहीं आ रहे। वे दोनों बच तो गए ही हैं। अगर वे जिंदा रहे तो मेरी एक ना एक दिन से मुलाकात जरूर होगी। जुलू का भी यही इरादा था। तूने मेरा बहुत नुकसान कर दिया नागराज, लेकिन एक ना एक दिन मैं तुझसे हर जाना ज़रूर वसूलूंगा। सोच समेत समाप्त। तो दोस्तों शानदार कॉमिक्स समाप्त होती है। चैनल पर फर्स्ट टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी कॉमिक्सों के लिए।